मुंबई के सीएसटी ब्रिज हादसे के बाद अब रेलवे की नींद टूटी है। मध्य रेलवे के 5 स्टेशनों के खतरनाक फुटओवर ब्रिज को तोड़ने का फैसला लिया गया है। ये 5 फुटओवर ब्रिज भांडुप, कुर्ला, बिखरोली, दीवा और कल्याण स्टेशनों पर हैं, जिसको तोड़ने के लिए रेलवे ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, सीएसटी ब्रिज हादसे के बाद रेलवे ने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, जब से सीएसटी का हादसा हुआ था उसके बाद रेलवे के खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। हालांकि रेलवे का उसमें कोई लुकआउट नहीं था, बावजूद इसके पुलिस ने एफआईआर इसलिए की थी क्योंकि जो है वह रेलवे से भी इस बारे में पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन जब बीएमसी का पूरा लुकआउट सामने आया, ऑडिटर अरेस्ट हुआ, तब जाके सामने आया कि रेलवे जो है इसमें कहीं ना कहीं किसी तरह कोई जिम्मेदार नहीं है। और लेकिन आगे इस तरह की परेशानी रेलवे को ना हो, इसलिए कल एक बैठक बुलाई गई थी रेलवे के आला अधिकारियों की। और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर 5 स्टेशनों पर जो खतरनाक ब्रिज हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं, जिसके चलते एक बड़ा हादसा वहां पे हो सकता है क्योंकि जो लोकल ट्रेनें हैं उसी रास्ते से होकर गुजरती हैं, इसी को देखते हुए रेलवे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टेंडर जारी कर दिया है ब्रिज को तोड़ने का। और उसका कहना है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में ब्रिजों को तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। दिवाकर, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत पीएम मोदी आज देश के 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। मोदी आज शाम 4:30 बजे होली के शुभ अवसर पर ऑडियो के माध्यम से देश भर में लगभग 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे और उनके साथ होली के रंग साझा करेंगे। ये मैं भी चौकीदार अभियान के अंतर्गत की गई पहल की श्रृंखला का हिस्सा है। इसके तहत पीएम मोदी देशवासियों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 31 मार्च को देश भर के 500 स्थानों पर उन लोगों से बात करेंगे जो मैं भी चौकीदार मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से टूटकर अलग पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव ने कृष्णा पटेल के अपना दल, पीस पार्टी और कुछ और छोटे दलों के साथ नया मोर्चा बनाने का ऐलान किया। उन्होंने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से खुद भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिससे यादव और कुछ जातियों के मतदाताओं पर शिवपाल यादव के मोर्चे का असर को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से बने नए मोर्चे में पीस पार्टी, इतिहाद मिल्लत काउंसिल, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और कृष्णा पटेल के अपना दल के शामिल होने का दावा किया गया। हालांकि कुछ दिन पहले कृष्णा पटेल की पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी समझौता किया था। वहीं शिवपाल के मोर्चे ने भी बीजेपी विरोधी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन का रास्ता खुला छोड़ दिया। कांग्रेस के गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा आ रही थी कि गठबंधन में आप हो सकते हैं, अब क्या माने? देखिए, मैंने प्रयास किया है, हमने जो सपा और बसपा से भी प्रयास किया है, किया था। लेकिन नए मोर्चे का किसी से गठबंधन होगा या नहीं, ये उसकी सियासी हैसियत से ही तय होगा। हालांकि फिरोजाबाद से शिवपाल यादव के खड़े होने से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव को नुकसान जरूर हो सकता है। वो वहां से सांसद हैं और शिवपाल यादव के भाई रामगोपाल यादव के बेटे हैं, जिनसे उनकी नहीं बनती। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक आदमी का पैर अचानक फिसल गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और ट्रेन भी चर्चगेट स्टेशन के प्लेटफॉर्म से धीमी रफ्तार में निकल रही थी। थोड़ी देर में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और काली शर्ट पहना एक आदमी दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने किसी तरह ट्रेन के दरवाजे को पकड़ लिया, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर घिसकता चला गया। ये देखकर वहां मौजूद आरपीएफ के जवान उसे बचाने दौड़े, लेकिन डर कर वो भी तुरंत पीछे हट गए। तभी अचानक वो ट्रेन से छिटक गया और वहां मौजूद जवानों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हादसे में उस आदमी को मामूली चोटें आईं।